हाँ इमाद, अभी मुझे ऐसा की कॉल आई थी। What? तुम लोग एक काम करो। सारा बहुत बुरी तरह जख्मी हुई है। तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हारी मामा को लेकर आता हूँ। मुझे अंदाजा है कि मुझे उससे किस तरह बात करनी है। लेकिन मामा को तो उसे इस वक्त इतना बड़ा शौक नहीं दे सकते। प्लीज तुम लोग हॉस्पिटल जाओ। नवीन जल्दी करो। तुम्हें सारा इल्जाम आयजा के सर पे डालना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। देखो फाइका, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आयजा की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, होगा कि उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। उसमें सारा भी थी, डैमिट। आयजा को तो मामूली चोटें आई हैं, सारा की जान खतरे में है। क्या रिश्ते बदलते हैं, लोके रंग बदल जाते हैं। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। तुम्हारे डैड को कभी अपनी अयाशियों से तो फुर्सत रही नहीं, तो कहीं उनकी इन हरकतों की वजह से हमारे बिजनेस को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। और आजकल तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन के पीछे पीछे। वो ऑफिस डैड का जरूर है मामा, लेकिन वो सब कुछ मेरा है और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हेलो आयजा, तुम रो क्यों रही हो? व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? इमान, वो आयजा की गाड़ी के एक्सीडेंट। आई नो तो वो मेरे साथ मुझे बात कर। मगर मामू मैं बता रही हूँ कि मुझे कम। अमाद, मेरी बात गौर से सुनो। और सारा भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद थी। आयजा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयजा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान खतरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयजा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयजा के लिए ये जाल बिछाया था, उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे। और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है। इसीलिए वो आयजा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है। तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। स्टे कनेक्टेड। आयजा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयजा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान खतरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयजा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयजा के लिए ये जाल बिछाया था, उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ।
जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है, तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयज़ा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयज़ा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है, और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयज़ा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था, उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है, तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयज़ा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयज़ा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है, और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयज़ा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था, उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है। तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयज़ा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयज़ा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयज़ा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है। तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयज़ा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयज़ा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयज़ा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है। तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड।
आयजा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयजा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयजा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयजा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयजा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है, तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयजा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयजा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयजा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयजा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे, और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है, इसीलिए वो आयजा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है, तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयजा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयजा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयजा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब
यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी और सबको पता चलेगा कि किसने ये साजिश की थी और ब्रेक फेल किसने किए थे, किस तरह से ये सब हुआ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे और वो भी किसी ने करवाए थे। और इसी के चलते आज़ाद को पता चल जाता है कि आखिर ये सौतन ही एक दूसरे की दुश्मन है, जिसमें यहाँ पे उसका भाई उसका साथ दे रहा है। इसीलिए वो आयज़ा को हर बार मरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे और ना ही वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे जो है वो ड्रामा सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में बहुत बड़े ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फ़ौरन से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स किस तरह से मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे। तो हम बताएंगे आपको बाकी की स्टोरी, क्योंकि अब आज़ाद वापस आ चुका है। तो अब आज़ाद किसका साथ देगा, कौन सी सौतन जीतेगी और कौन सी हारेगी, ये सब देखने और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, स्टे कनेक्टेड। आयज़ा और सारा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आयज़ा को तो छोटी मोटी चोटें ही आई हैं, लेकिन सारा की जान ख़तरे में है। और इस बात पे अब यहाँ पे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि जिसने आयज़ा को मरवाने की कोशिश की, अब गलती से खुद ही अपनी बेटी को भी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ज़ख्मी कर चुकी है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। क्योंकि अब यहाँ पे अब आज़ाद जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने भी आयज़ा के लिए ये जाल बिछाया था उसमें अब यहाँ सारा भी साथ ही उस दलदल में घसीट जा चुकी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब सारी तहकीकात होगी।